नमस्कार जी, स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं कचनार का अचार। तो हमने कचनार को अच्छे से साफ करके ले लिया है। अब हम इसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए उबाल। अब हमने गर्म पानी कर लिया कढ़ाई में। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कराड़े ली है, उसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने इसको सॉफ्ट होने तक इसको हमने उबाल लेना। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और 10 मिनट के लिए हमने इसको उबाल लेना है। अब हमने कराड़ी को 10 मिनट के लिए उबाल लिया। अभी हमने इसको ज़्यादा नहीं उबालना। इसको कराड़े भी बोलते हैं और कचनार भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे उबालना। हमने ये देखो इतनी सी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इससे ज़्यादा नहीं उबालना है। अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे। अब हमने कचनार को पानी से निकाल लेना है। ऐसे करके हम कचनार को पानी से निकाल लेंगे। अब हमने कचनार को पानी से निकाल लिया है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए फैन के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। जो भी इसमें बाहर ऐसे पानी है वो इसका सूख जाएगा। अगर आप धूप में रख सकते हैं तो 2 घंटे के लिए धूप में भी आप इसको सुखा सकते हैं। हमने कचनार को 2 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया था। अच्छी धूप लगी थी इसलिए हमने धूप में इसको 2 घंटे के लिए सुखा लिया। अब हमने इसका अचार बनाना है। तो हम बनाएंगे कचनार का अचार। तब हमने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सरसों का तेल। अब हम तेल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब ये हमारा सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी गलगल का रस। आप इसको गलगल का रस नहीं हो तो आप इसमें नींबू का रस निचोड़ के भी आप इसका अचार बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको गर्म होने दें। अब हमारा रस और तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़। आप गुड़ डाल भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने ये गलगल का खटाई थोड़ी खट्टी होती है तो हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल रहे हैं। अब हमने इसको गुड़ को भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, हमने 1/2 चम्मच मोटी कूटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और हमने 1 बड़ा चम्मच मीठी सौंफ ली हुई है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और हमने धनिया और जीरा को हमने भून के इसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया हमने इसको, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये दोनों मिला के 1 बड़ा चम्मच बना लिया हमने, और 1/2 चम्मच हमने मेथी दाना भून के पीस के ले लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अब हमने इसको उबाल लगा लेंगे। जो हमने गलगल की खटाई डाली है उसको हमने उबाल लगा लेना है। अब ये हमारे गलगल की खटाई में और तेल में अच्छे से उबाल लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कचनार धूप में सुखा के ली है 2 घंटे के लिए। तो धूप में सुखा के ऐसी हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है ऐसे, पानी नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए इसमें, वो हम इसमें मिला देंगे। अच्छे से हम इसको मिला देंगे। अब हमारा कचनार का अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने पे इसको कांच के जार में भर देंगे, और ये हमारा कचनार का अचार आप 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये कचनार के अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।